अस्सलामुअलैकुम। आज हम मौजूद हैं तहसील कमालिया के कब्रिस्तान दरबार पीर मुफाल। आज 9 मुहर्रम है, रूटीन के हिसाब से, इलाके के हिसाब से, या ये दिन ऐसे आते हैं कि हर लोग अपने अजीज अकारब के कब्रों पर जाते हैं, उनके जो फातह खानी होती है उसके बाद रंग किया जाता है और मुख्तलिफ जो मामलात होते हैं वो करते हैं। तो आज दो बातें करनी है। सबसे पहले तो क्या खवातीन का कब्र है, क्योंकि आज के बाद मज़ीद 4 या 5 दिन एक ही सवाल मिलेगा कि क्या खवातीन कब्रिस्तान में जा सकती है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि इन दिनों में कब्रिस्तान में जाना ज़रूरी है, जो अकारब की कब्रों की मुरम्मत है वो ज़रूरी होती है, या जो मामला हैं इंशाल्लाह वो आज आपकी दिखाएंगे। इसके बाद एक पहली बात यह आ जाएगी कि क्या औरतों को कब्रिस्तान में जाना चाहिए। तो क्या औरतें हर जगह इस दौर में कहाँ कहाँ नहीं जा रही, बापर्दा होनी चाहिए? और बिल्कुल मैं एक उलमाए कराम तो हूँ, लेकिन आम हिसाब किताब से आप तक ये पैगाम पहुँचाना कि खवातीन कहाँ पर नहीं जा रही। हर जगह पर अगर जा सकती हैं तो कब्रिस्तान में भी आ सकती हैं। बस एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर वो कब्रिस्तान में आती हैं तो पर्दे का जो है इंतजाम तो लाजमी होना चाहिए, ताकि बेपर्दा ना और जो मामलात होते हैं। इसके बाद आ जाती है दूसरी बात कि अगर क्या इन ही दिनों में आपने 9, 10, 8, 7 मुहर्रम अल हराम के दिनों में ही आके आपने कब्रों को मुरम्मत करना है, या उनकी लिपाई करनी है, या इनके बाद नई कब्रें बनानी है, तो ये बिल्कुल बात है कि आप साल में किसी दिन भी आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई दिन आना है, इस साल में किसी दिन भी आप आ सकते हैं। आज मैं अपनी आंखों से ऐसे देख चुका हूँ कि इसी कब्रिस्तान में, और आपको दिखा भी सकता हूँ कि ऐसी कब्रें मौजूद हैं कि 10-10 साल हो चुके हैं, उनको मुरम्मत नहीं किया गया, उनके ऊपर मट्टी नहीं डाली गई, वो मट्टी खुर चुकी है, और आपको दिखा दें। और एक कब्र आपको ऐसी भी दिखाते हैं कि 4 कब्रें थी, मुनाफ़कत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि 4 कब्रों के बिल्कुल साथ साथ कब्रें थी, 3 कब्रों को लीपा गया है, उनको लिपाई की गई, लेकिन एक कब्र को छोड़ दिया है जिसकी हालत भी खस्ता है। मकसद क्या है कि एक मुनाफ़कत है, अगर ये कर सकते हैं 3 कब्रों को आप मुरम्मत कर सकते हैं, उनकी लिपाई कर सकते हैं, आपको चाहिए कि ये भी है तो मुसलमान, ठीक है हम उनको जानते नहीं हैं लेकिन एज ए मुसलमान तो है, हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं तो अगर 5 मिनट उसके ऊपर भी लग जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर आज के दिन किसी कब्रिस्तान में आप जाते हैं अपने प्यारों को, अजीज़ों को, तो सबसे पहले यही होता है कि उन लोगों को आप फातह पढ़े, आपकी जो दुआ है आपकी फातह पढ़ी गई उनको काम आएगी। ये लिपाई है ठीक है, ये दुनियादारी का मामलात है, ये यहाँ तक है, लेकिन अगर आप जो फातह पढ़ेंगे उनके लिए जितना काम करेंगे। और इसके बाद आ जाती है फूल या पत्तियाँ, या जो आम निज़ाम में चलता है कि चावल या बाकी चीज़ें जो फेंकी जाती हैं, क्या ये मेरे ख्याल में तकरीबन जितने में देखने में आया है सुनने में आया ठीक है, ऐसे कोई चीज़ आप सबज रखते हैं तो उसका बिल्कुल सवाब है, कब्र के अंदर जो मौजूद है आपका अजीज अकारिब उसको उसका सवाब भी मिलता है, और जितनी देर वो सबज कोई भी चीज़ हो जाए उसके सबज बरकरार रहता है तो उस पर अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। इसके बाद आ जाती है कि अगर मैंने ऐसी कब्रें देखी हैं जिनको तकरीबन 5-5 साल 10-10 साल हो चुके हैं लिपाई नहीं की, वो अभी कब्रों का निशान भी ख़त्म हो रहे हैं, तो खुदा रहा आपसे दरख्वास्त है कि अपने अजीज़ व अकारब का लाजमी ख्याल किया करें। हो सकता है उनके अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसी कब्रें रोड के ऊपर हमें देखने को मिली हैं जिसके तकरीबन लिपाई किए 4-4, 5-5 साल हो चुके हैं, निशान भी आधा आधा जो कब्रों का है वो ख़त्म हो रहा है। तो जितना हो सके मकसद ये है कि इन दिनों में या साल में किसी भी दिन आप आ सकते हैं, अपने प्यारे अजीज़ों अपने अजीज अकारब की जो कब्रें हैं उनको मुरम्मत कर सकते हैं, लिपाई कर सकते हैं, नहीं बना सकते, ये ज़रूरी नहीं कि यही दिन आने हैं। तो ये एक रूटीन बनी हुई है कि ठीक है आपने आना ही इसी दिनों में, तो जब भी आप आएँ तो ख़ास कर यही बात है कि अगर आपके पास वक्त है, या अगर आप 4 कब्रें उनकी लिपाई कर रहे हैं तो अगर साथ में कोई ऐसी कब्र है जिनका इस दुनिया में अगर होता तो वो ज़रूर आता, लेकिन अगर उस दुनिया में नहीं या किसी को उसका पता नहीं है तो खुदा रहा वो ज़रूर आप उसकी लिपाई कर दिया करें, ताकि जब भी कोई आते हैं वक्त है, मुझे भी वो बिल्कुल दुख महसूस हुआ है कि ऐसा क्या हुआ, मैं नहीं जानता कि वो किन की कब्रें हैं क्या है, लेकिन इन दिनों में ये ख़ास ख्याल होता है और लोग आते भी हैं। मजीद कोई चीज़ आए तो आप कमेंट में बता दें। ये मकसद ये था कि ना मैं कोई आलम दीन हूँ, ना कोई पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है एज एक दुनियादारी के मामले पर आप तक ये बात पहुँचाई है। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।